हे गाइस गुड मॉर्निंग, और चलो चलते हैं शादी में। अरे कृष्ण लाल हमारा फ्रेंड, उसके बुआ की लड़की की शादी है तो वहाँ पर चलना है। तो चलो भैया, छोटू और हम दोनों तीनों जाएंगे। चलो चलते हैं, लेट हो गया। वैसे भी कॉल करके परेशान कर दिया। मैंने नहा लिया, धो लिया, शर्ट पहन लिया, अब बाकी रह गया जो रह गया। अब कहाँ बाकी रह गया पता नहीं है। शर्ट ढीला ढीला है यार, समझ में नहीं आ रहा हमारे को। चलते हैं, फिर बाद में मिलते हैं आपको, थोड़ी सी देर बाद है, मिलते हैं। मैंने तो खाना भी खा लिया। मम्मी बोल रही शादी में जिम के क्या भैया, जिम लेंगे, खा लेंगे, लेकिन खाना थोड़ा बहुत तो खाना खा के जाए ना, ऐसे कैसे जाए। चलो टाटा बाय, मिलते हैं 2-4 मिनट बाद ही। फैन वैन सब बंद कर देता हूँ मैं। तो मेरे भाई और बहनों, क्या प्रोग्राम है वैसे, बात का? बात का, शादी है ना। ओके ओके ओके, भात यार, भात मतलब तो भात है। भात मतलब क्या होता है? वो होता है ना चावल होते हैं यार, भात है ना। हाँ यार, मतलब इसका जो अर्थ होता है वो तो चावल से होता है। लेकिन यार अब तेल लेने देने करेंगे, सामाजिक कुरीति बन गई। मतलब ये दहेज की प्रथा ही देख लो आप दहेज लोगे? चलो अब चलते हैं मेरे भाई और बहनों, अब चलते हैं हंसराज के भात में। हंसराज की बुआ जी के भात में? हंसराज के भात थोड़ी छे, हंसराज के भात में। और वहाँ पे उसकी बीननी सा से मिलेंगे, आपको दिखाएंगे, उनको लाएंगे YouTube पे लाइव। आपकी बीननी का नाम क्या है? प्रियंका। हाँ प्रियंका, प्रियंका। ओके ओके ओके। लो भैया, जितेंद्र तेतरवाल से मिलो आपके ओनर। ये कृष्ण लाल देखो बार बार अंदर जा रहा है, लेकिन अंदर भी है ना, जल्दी से आ जाओ, जल्दी नहीं आ रहा। ओ कृष्ण लाल, अब देख यार, मतलब यार विशाल मतलब इतना तैयार होता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो गाइस गाइस तो गाइस आप देख रहे हो, तो गाइस आप देख रहे हैं, मतलब इसकी शादी है जैसे, मतलब वैसे तैयार हो रहा है यार बंदा। और आगे बारन आ गया। अरे ताड़ो कंडे पियो। अरे माइन 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 खाइए, भूखा मरता है। सूंगरी जा, सूंगरी जा, हमारा पग मत खा। शादी में पहुंच गए जी, चलो माहौल देखो आसपास को। तो महार मेरे भाई और बहनों, हम पहुंच चुके हैं शादी में। मेरे भाई और बहनों, ये हमारे विशाल भाई, ये मतलब अपने, इनके भी ससुर जी आए हुए हैं, तो मतलब उन ससुर जी से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे अभी डरे हुए हैं, और ससुर जी को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं कि हाँ किस हद तक जा सकता है। मतलब जाना भी चाहिए यार, ऑब्वियस सी बात है, इसकी लाइफ का सवाल है। अगर एक बार टूट गई शादी तो फिर मुश्किल है। इस तरह से हमारा घर दिखाएंगे, मतलब आया दिखेगा नहीं शादी, थोड़े पैसे लगेगा शादी में, इस दीवार पे चढ़ना पड़ेगा। बोलू राम जी, छोटे को डांस आ रहा है या नाच रहे थे? देखिए हम जिस साइड रहे थे ना, वो तो नीचे रह गया, ये ऊपर की साइड आए हम, रहने वाले ऊपर वाला रहने वाले से। हेलो, हाय मोर जी, तीन घंटा मान ले छोटू, अपनी तरफ तो मोर ही नहीं दिखती यार, है ना छोटू? नहीं चोमू सो आदो ही मान, क्योंकि अभी हम फिलहाल मैरिज पैलेस पे ही हैं। फिलहाल तो 8 या 9 के आसपास चलेंगे। कहाँ चलेंगे? घर पे, और क्या। तो अभी खाना तो खिलाते यार, खाना ही नहीं खिला रहा अभी, तो अभी खाना यार चलेंगे। देखो मेरी प्रॉब्लम नहीं है खाने की, मेरा एक फ्रेंड जिसको आप जानते हो, उसका निकनेम सुमड़ा है, उसके साले साहब आने वाला है, तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं उनके लिए, तो कम से कम आधा घंटा और लग जाएगा। खाने की खाने की बात नहीं, खाना खा लेते हैं, लेकिन वो आ रहे हैं ना, इसलिए वेट कर ले थोड़ा सा, वरना वेट तो हम किसी का नहीं करते।
नहीं तो मेरा वो दोस्त है ना सूमड़ा, वो तो मतलब वो सूमड़ा फिर हो जाएगा, टूट पड़ता है फिर। किस पे टूट पड़ता है? खाने पे। चलो अब घर चलते हैं, शादी वादी आके शादी से आके यहाँ स्कूल में आ जाते हैं। रात को 11 बज गए यार, अब तो सोने का टाइम है मेरे। ओ देखो इस साइड से मतलब रास्ता और खराब है यार। इस साइड से रहने में निकली नहीं हिम्मत कर ली भाई साहब है कर्सन लाल है। निकलगी 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 यार, देखो कितना पानी भर गया। सी यू आ गए अपने घर।